मिशन साउथ पर गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर अमित शाह के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है। आज तमिलनाडु में 3 रोड शो करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो शिवगंगा, तेनकासी और कन्याकुमारी में करेंगे रोड शो। कल थेनी शहर में किया था रोड शो। वहीं शाम को मदुरै में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक बैठक की थी। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है और ऐसे में तमिलनाडु दौरे का उनका दूसरा दिन, जहां पर बैक टू बैक उनके 3 रोड शो प्रस्तावित हैं। तो मिशन साउथ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मिशन दक्षिण के तहत वो आज 3 रोड शो करेंगे। तो उनका 2 दिवसीय दौरा, जहां पर तमिलनाडु की 39 सीटों को साधने की कोशिश की जाएगी केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से। पहले चरण में तमिलनाडु में वोटिंग होने वाली है। और मिशन साउथ का अगर जिक्र करें तो तमिलनाडु में साउथ में सबसे ज्यादा सीटें हैं, सबसे अधिक 39 सीटों वाले तमिलनाडु पर नजर है। और 2019 में बीजेपी को नहीं मिली थी एक भी सीट मिशन दक्षिण पर। यही वजह है कि शाह निकल पड़े हैं और 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने पिछली बार प्रत्याशी उतारे थे। 2019 में बीजेपी को कुल 15,51,924 वोट मिले थे, यानी कि 3.60 वोटिंग परसेंट के बावजूद भी बीजेपी कोई सीट नहीं जीत पाई। 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। तो बीजेपी पर हिंदी बेल्ट की पार्टी का टैग रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी क्यों कमजोर नजर आ रही है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सियासत का मिजाज हिंदी नहीं है, सत्ताधारी डीएमके का हिंदी विरोध जग जाहिर है। ऐसे में देखिए, सूबे की सियासत पर पेरियार आंदोलन का भी असर देखने को मिल रहा है। हार्डकोर हिंदुत्व वाली पार्टी की छवि भी बाधा बनी हुई है बीजेपी के सामने। तो बीजेपी और आरएसएस तमिलनाडु में इतने मजबूत स्थिति में नहीं है। बीजेपी के पास तमिलनाडु में नेतृत्व का भी अभाव है। लोकल मुद्दों से खुद को कनेक्ट कर पाने में जो बीजेपी है वो नाकाम है। तो गठबंधन में जूनियर पार्टनर वाली भूमिका बीजेपी तमिलनाडु में निभा रही है। पार्टी को सूबे में नहीं मिल पा रहे हैं जिताऊ प्रत्याशी। बीजेपी की तमिलनाडु को लेकर रणनीति क्या है? 400 पार के लिए 39 सीटें तमिलनाडु की बेहद जरूरी है। कैडर क्रेडिबिलिटी लीडर पर भरोसा और कच्चा थीवू को मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी ने इस बार की है। डीएमके को करप्शन पर भी घेरने की कोशिश बीजेपी ने की है। इसी के साथ ही देखिए, स्थानीय लोगों से कनेक्ट करने की भी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो ये रणनीति तमिलनाडु को लेकर, क्योंकि तमिलनाडु की 39 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है और अगर 400 पार का नारा जिस तरह से दिया जा रहा है उसके लिए ये 39 सीटें बीजेपी को जीतनी होगी।